Hi guys, I'm back with another vocabulary video, and this video contains more commonly used words in Natchez-CCL dialogues. I would also want that you memorize these words, and also you can keep playing these videos in the background when you are working so that you are able to listen to them frequently, and this will improve your recall power when you listen to your dialogues or when you have any time which is kept aside for revision. Okay guys, so without much delay, let us begin with this video. Okay guys, so I'm going to start with the words. The first one is Nirnay, which means decision. Samudra Tat, which means seashore or beach. Qatar means queue. Aap Qatar mein hai, matlab you are in the queue. Okay. Pranali is a system. So sometimes you have sentences in a dialogue which say that I will put your request in our system. मैं आपका निवेदन हमारी प्रणाली में दर्ज कर दूंगी. ओके, सो सिस्टम मीन्स प्रणाली. कार्य प्रणाली मीन्स मेथडोलॉजी. ओके, मेथडोलॉजी इज नथिंग बट हाउ पर्टिकुलर टास्क हैज टू बी कंप्लीटेड. सो फॉर दैट वी से कार्य प्रणाली. ओके, दैट इज नथिंग बट मेथडोलॉजी. देन वी हैव प्रक्रिया विच मीन्स अ प्रोसीजर और अ प्रोसेस. ओके, इस कार्य को करने की क्या प्रक्रिया है, व्हाट इज द प्रोसीजर टू डू दिस टास्क. ओके, नेक्स्ट राशन मतलब ग्रोसरी और रेशन. ओके, यू कैन से आइदर ऑफ द टू वर्ड्स. ओके, शामिल होना विच इज इंक्लूड्स और इंक्लूसिव. ओके, दिस पर्टिकुलर टास्क इज इंक्लूडेड इन दिस सिस्टम. ओके, सो यह कार्य इस प्रणाली में शामिल है. भाग लेना इज टू पार्टिसिपेट. मैंने अपने स्कूल में फलाना क्रीड़ा में भाग लिया. ठीक है, हिस्सा लेना टू टेक पार्ट. ओके, सो दिस कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, भाग लेना और हिस्सा लेना. ओके, लोकप्रिय मतलब पॉपुलर. आय या आमदनी मतलब इनकम. सो आय इज अ मोर फॉर्मल वर्ड फॉर इनकम, एंड आमदनी इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ योर इनकम इन टर्म्स ऑफ हाउ मच यू टेक होम. ओके, सो आय और आमदनी इज इनकम. आयकर मीन्स इनकम टैक्स. ओके, सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट is translated as Aykar Vibhag. Okay, then you have Aykar Vivarani, which means income tax return. Okay, Sarvajanik matlab public, Samajik matlab social. So there is a small difference between these two words, and people tend to confuse it in dialogues, not intentionally, but sometimes because they are similar sounding. So public is Sarvajanik and social is samajik. Okay, next word is samiti matlab committee. Okay, ayog is commission. Okay, so fifth planning commission. Okay, similarly, so you can call it an ayog. Okay, panchmi planning ayog. Ke madhyam se, through. Okay, when you want to say through this चैनल. ओके, इस चैनल के माध्यम से. मौजूदा एग्जिस्टिंग, वर्तमान प्रेजेंट और करंट. ओके, करंट अफेयर्स तो वर्तमान मामले. ठीक है, वास्तविक एक्चुअल, विचाराधीन अंडर कंसिडरेशन. ओके, दैट मीन्स दिस, और इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसलेटेड इन लीगल कंटेक्स्ट एज सब जुडिस. ओके, सो यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है. दैट मीन्स दिस
दिस सब्जेक्ट इज एज ऑफ नाउ सब जूडिस. ठीक है. वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम, वृद्ध देखभाल घर, ओके, एज्ड केयर होम. ओके. इन ऑस्ट्रेलिया वी हैव अ लॉट ऑफ दीज वेरियंट्स वेयर वी हैव पीपल हु आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, हु आर एज्ड पीपल. ओके. सो फॉर दोज पीपल देर आर स्पेशल होम्स विच आर अवेलेबल एंड दीज आर कॉल्ड वृद्ध देखभाल घर. ओके. वृद्ध इज एज्ड, केयर इज देखभाल, एंड ऑफकोर्स होम इज घर. आप उसे गृह भी बोल सकते हैं. ओके. बच्चों के देखभाल में हाथ बटाने वाला. ओके. नाउ इन अ डायलॉग आई केम अक्रॉस दिस सेंटेंस दैट इट वुड बी इजियर इफ देर वेर देर वॉज अनदर सेट ऑफ हैंड्स टू लुक आफ्टर द किड्स. ओके. इन सच अ केस यू कैन ट्रांसलेट इट एज बच्चों के देखभाल में हाथ बटाने वाला मिल जाए तो सहूलियत होती है या फिर आपको सुविधा हो जाती है. ठीक है. रोजी रोटी विच इज नथिंग बट ब्रेड एंड बटर, और यू कैन से लाइवलीहुड. सो अ लाइवलीहुड वर्ड इन इंग्लिश कैन ऑल्सो बी ट्रांसलेटेड इन टू हिंदी एज रोजी रोटी. ठीक है. बचपन चाइल्डहुड, बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड या फिर इन्फेंसी. ओके. बच्चों के देखभाल गृह. ओके. चाइल्ड केयर होम. सी सो वृद्ध देखभाल घर या फिर गृह भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे आप बोल सकते हैं बच्चों के देखभाल का गृह या घर. ओके. पोषण न्यूट्रिशन, कुपोषण माल न्यूट्रिशन, पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स. ओके. विटामिन की खुराक, विटामिन सप्लीमेंट्स. ओके. सो सप्लीमेंट्स आर नथिंग बट खुराक. ओके. पोषक खुराक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स. ओके. आहार विशेषज्ञ इज अ डाइटिशियन. मेक श्योर यू नो द डिफरेंस. आहार विशेषज्ञ इज अ डाइटिशियन, पोषण विशेषज्ञ इज अ न्यूट्रिशनिस्ट. ओके. सो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू. मेक श्योर यू आर नोटिंग दैट डिफरेंस. आहार विशेषज्ञ इज अ डाइटिशियन, पोषण विशेषज्ञ इज अ न्यूट्रिशनिस्ट. पोषक आहार दैट इज न्यूट्रिशियस फूड. ओके. पोषक आहार बढ़ते उम्र के बच्चों के लिए, फॉर चिल्ड्रन इन देयर ग्रोथ एज और ग्रोइंग एज. ओके. बढ़ते उम्र के बच्चों के लिए. ओके. द नेक्स्ट वर्ड इज संपूर्ण विकास, विच मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट. ओवरऑल इज संपूर्ण. ओके. डेवलपमेंट विकास. विकास कैन ऑल्सो बी ट्रांसलेटेड एज ग्रोथ. ओके. खेल कूद स्पोर्ट्स, त्योहार फेस्टिवल, व्यंजन इज डिशेस. यू कैन ऑल्सो लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ दे से दैट आई लाइक इटालियन क्यूजीन. ओके. मुझे इटालियन व्यंजन पसंद है. सो यू कैन यूज इट इन कंटेक्स्ट ऑफ अ क्यूजीन ऑल्सो. ओके. पकवान डिश महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट. Okay, so guys, there might be certain words that are getting repeated from my past videos as well. So this is mainly because these words are the set of words that I have written down in my notes while I was going through dialogues or while I was preparing for my NATCL exam. So as the words are repeated in dialogues, in my notes also they get repeated, and that's how these videos are also having some repetitive words. So it's good for you because you will be able to keep on recollecting those words, since which also means that these words are quite important and they appear a lot of times in different dialogues, which will make you expert in recall of these kind of words. Okay. So I think it's a good thing that they get repeated. I wish that you should keep on hearing to these words as much as possible, maximum as possible, so that you know you are able to recollect without any hesitation or delay when you actually hear them in your final dialogue. Okay, so moving ahead, pashu utpad animal products, jaivik utpad organic. Organic is jaivik, utpad is products. So jaivik utpad is organic products. Sanyantra utpad plant products. Okay. Dugdh utpad is dairy products. Dugdh utpad is dairy products. Jadi booty herbs, paryavaran environment, prakriti nature, swabhav
nature of a person. So there's a difference between saying nature as in environmental nature, which is prakriti, and swabhav as in the nature of a person. ठीक है. आपा means temper. स्वयं सेवा सेल्फ सर्विस. लिखित चेतावनी रिटन वार्निंग. शुरुआती लक्षण अर्ली सिम्टम्स. सो सिम्टम्स कैन बी ट्रांसलेटेड एज लक्षण. शुरुआती अर्ली. सो शुरुआती लक्षण इज अर्ली सिम्टम्स. निश्चित अवधि तक फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. निश्चित इज सर्टन. ओके. और अ डेफिनेट. ओके. निश्चित अवधि तक फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. दुष्परिणाम side effects or bad effects. okay. this medicine has certain side effects. is dawai ke kuch dushparinam hai. nakaratmak parinam negative consequences or negative results. okay. sakaratmak positive. gati mapne ki bandook. okay. so this came in a particular dialogue which means speed gun. okay. गलियों के बीच की लाइन पर गाड़ी चलाना. ओके. लेन स्ट्रैडलिंग. स्ट्रैडलिंग ऑफ लेन्स. ओके. गलियों के बीच की लाइन पर गाड़ी चलाना. कमजोरी मतलब वीकनेस. प्रतिरक्षीकरण शिविर मीन्स इम्यूनाइजेशन कैंप. ओके. प्रतिरक्षा इम्यूनिटी. व्यवस्था अरेंजमेंट. ओके. योजना प्लान और अ स्कीम इज कॉल्ड अ योजना. संबंधित रिलेटेड. संगरोध मतलब क्वारंटीन. संक्रामक कंटेजियस और इन्फेक्शियस. संक्रमण इज एन इन्फेक्शन. यात्रा और अ सफर इज ट्रेवल और जर्नी. प्रतिबंध रिस्ट्रिक्टेड. अनुवंशिक जेनेटिक. नाराज एंग्री और एनॉयड. निराश मतलब फ्रस्ट्रेटेड. अवसाद मतलब डिप्रेस्ड. सो गाइज दीज वेर द नेक्स्ट सेट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स विच वेर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन डायलॉग्स बाय मी. यू गाइज कैन प्रैक्टिस दीज एंड आई होप दीज विल हेल्प यू इन योर फाइनल नाची सीसीएल डायलॉग ट्रांसलेशंस. ऑल द बेस्ट गाइज एंड स्टे सेफ स्टे होम.